ओके सर, फैन किस काम होता है? फैन का हाँ, खुल के बताओ, फैन किस काम में आता है? ठीक है, और कहाँ लगा हुआ रहता है? कहाँ होता है? ये रेट है, क्यों लगाया जाता है? ठीक है, ये है क्या है? वाटर पंप। वाटर पंप क्या होती है? वाटर पंप आगे रेडिएटर का जो पानी होता है उसके आपका होता है अल्टरनेटर। दिल्ली पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान ऑटोमोबाइल लैब में प्रैक्टिकल करते हुए। और आपका ये है गियर, गियर बॉक्स, ये हाउसिंग, फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील इसके अंदर क्लच प्लेट। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील, इसके अंदर क्लच प्लेट। हाँ, ये गियर बॉक्स, गियर बॉक्स ये। अच्छा, ये बताओ, ये बताओ कि फिंगर प्लेट कहाँ होती है? फिंगर प्लेट इसके अंदर भाई, क्लच के आगे लगी हुई होती है या पीछे की साइड में लगी हुई रहती है? उसके ऊपर रिलीज बैरिंग होता है, जो बैरिंग उसको हम क्लच दबाते हैं, वो बैरिंग फिंगर दबाता है आगे पीछे। राइट राइट राइट, वो क्लच प्लेट को हम जैसे क्लच दबाएंगे, क्लच प्लेट को आगे धकेगा तो इंजन गियरबॉक्स फ्री हो जाएगा। अच्छा, जैसे हम छोड़ेंगे वो फिर एंगेज हो जाएगा तो गाड़ी चलने लगेगी। इसके बारे में हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, जरूरी है आपको। एक एक टर्बोचार्जर का काम होता है, काम क्या होता है ये, इसको बोलते हैं टर्बोचार्ज। इसका काम क्या है? टर्बोचार्ज का काम ये होता है, जो इंजन से हम स्मोक आती है उसको धक्का मार के बाहर निकालना, और एयर जो एयर फिल्टर से हवा आती है उसको खींच के इंजन के अंदर भेजना। दोनों काम होता है, दोनों काम करता है टर्बोचार्ज। और दूसरे टाइम में दोनों काम करता है। और दूसरे अंदर इसके अंदर टर्बाइन लगा हुआ है, जैसे हम इंजन से धुआं बाहर जाएगा ये टर्बाइन घूमेगा, जैसे हवा, जैसे देखा पंखा हवा से घूमता है तो जितो गैस बाहर जाएगी तो इसको जोर से घुमाएगी, ये इतनी स्पीड से घूमता है कि लाखों चक्कर के हिसाब से, राउंड के हिसाब से घूमता है। जब ये घूमेगा तो ये इसके अंदर फैन है, ये भी घूमेगा, ये धुएं को बाहर भेजेगा, ये जो रेडिएटर से हवा आ रही है इसको उठा के इंजन के अंदर, ठीक है, प्रेशर से। इसका फायदा क्या होता है? बाहर की तरफ से भेजेगा, बाहर ये जा रहा है सिलेंसर का पाइप नीचे से। अच्छा, सिलेंसर का उधर को चला जाएगा, ये यहाँ से हवा लेगा, हवा को रेडिएटर से एयर कूलर से खींच के इंजन के अंदर भेजेगा, ठीक है। इसके अंदर शाफ्ट है, दोनों तरफ फैन लगे हुए हैं, एक शाफ्ट है इसके, एक फैन इधर है, एक इधर फैन है, ठीक है। दोनों अपोजिट घूमते हैं। इसका क्या होता है, ये हवा अंदर भेजता है, इनलेट करने के लिए हवा है, हाँ, इनलेट और आउटलेट करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर क्या है, शाफ्ट होती है, क्या होता है शाफ्ट के ऊपर क्या है, ऑयल लुब्रिकेट होता रहता है। ये देखो यहाँ से पाइप आया ऑयल लुब्रिकेट का, अगर वो इसको फायदा इसकी चीज़ ये है कि हम जब बताते हैं ड्राइवर को, जब भी गाड़ी स्टार्ट करनी है, स्टार्ट करते टाइम एकदम एयर एक्सीलेटर नहीं दबाना है। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी ठंडी होती है, खड़ी है, रात भर हमारी खड़ी है, हम सवेरे गाड़ी स्टार्ट किया तो क्या है, इसका ऑयल जितना होता है सारा यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होता है, रात भर खड़ी रही। सुबह हम आएंगे गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो ऑयल सारा यहाँ रहेगा, अगर हमने गाड़ी स्टार्ट करते ही एक्सीलेटर दबा दिया तो ये जो शाफ्ट है यहाँ पे इसके ऊपर मोबिलाइल नहीं पहुँचेगा और वो ड्राई चल जाएगी। ड्राई चलने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर बुश लगे हुए हैं, वो बुश खराब हो जाएगा, बुश खराब हो गया तो ये हमारा टर्बोचार्जर खराब हो जाएगा। रिपेयर करने के लिए इसको काफ़ी टाइम लगता है, कैसे खर्चा लगता है, गाड़ी कई दिन के लिए ऑफ रोड हो जाता है। इसलिए कभी भी जब गाड़ी को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करते से 2 मिनट तक एक्सीलेटर को नहीं दबाना है। 2 मिनट क्या होगा, या जो इंजन है मोबिलाइल है सारे इंजन के हर पार्ट के हर जगह पहुँच जाएगा, ठीक है। अगर हम एक्सीलेटर दबा देंगे उसी टाइम तो हमारे इंजन के जितने पार्ट हैं सब वो ड्राई रहते हैं सुबह, तो वहाँ मोबिलाइल पहुँचेगा नहीं, ज़्यादा रेस देंगे तो क्या होगा, इंजन के पुर्जे घिसेंगे, नुकसान होगा। तो इसलिए गाड़ी को क्या बोलते हैं, जब भी स्टार्ट करना है कम से कम 1.5 मिनट 2 मिनट तक इंजन के एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखना, स्टार्ट करके छोड़ दो, बाकी का और काम करो, तब तक हमारा सारा इंजन लुब्रिकेट हो जाएगा। एक होता है थर्मोस्टेट वाल्व, उसको और इंजन का जो गर्म पानी आता है इंजन से होकर यहाँ से ठंडा जाता है, तो वो क्या कह रहे हैं थर्मोस्टेट क्या वाल्व है, उसको टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, कब उसको खोलना है, जब जब प्रेशर ज्यादा और हीट हो जाएगा तो वो खुल जाएगा, जब हीट कम हो जाएगी तो वो बंद हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक होता है, उसके अंदर थर्मोस्टेट रहता है, पानी को रेडिएटर के पानी को अंदर जाने और निकलने में, इनलेट आउटलेट का जॉइंट दोनों एक ही होता है, हाँ एक ही होता है, वो ऐसे उसके स्प्रिंग लगा रहता है,
उस पे जब प्रेशर पड़ता है इतना बड़ा सा होता है ना, इतना बड़ा थर्मोस्टेट वाला, उससे क्या है स्प्रिंग वाला होता है, जैसे जैसे गर्म होता है ना तो बंद होता है, अगली चीज देखो फिर ठंडी होगी गाड़ी फिर खुल जाएगा। इसका एयर कंप्रेसर है, एयर कंप्रेसर बोलते हैं इसको, जो हमारा इंजन के हवा हमारी टैंकियों में हवा भरता है, जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो एयर कंप्रेसर यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से हवा को प्रेस करके हमारे एयर टैंक गाड़ी के एयर टैंक में हवा भेजेगा। उसके लिए भी उसके अंदर सिस्टम लगाया जाता है, हवा का प्रेशर जब फिक्स पहुंच जाता है 6 या 6.5 या आप जब बाहर आई है नई गाड़ियां जो PSI उसमें 9 से ऊपर बाहर PSI में बाहर क्या उसके अंदर प्रेशर की नीडल रहती है, सुई रहती है उसके अंदर, पहले वो तो ऑटोमेटिक बता देती है, ऑटोमेटिक लेती है, ऑटोमेटिक कट ऑफ करती है, ऑटोमेटिक छोड़ती है। PS4 गाड़ी है उसके अंदर 5.5 या 6 तक प्रेशर मान्य था, वो प्रेशर होते ही ये कट हो जाता था। अभी जो नई PS6 गाड़ी है इसमें 9 से ऊपर पहुंचता है तब कट होता है, ठीक है। पुरानी गाड़ी में 6.5 बार है। ये क्या है, इसका फ्यूल पंप है, पहले पंप क्या होता था, बड़ा पंप रहता था, उसको 6 नोजलें ऐसे इंजन से 6 नोजल ऊपर जाता था, देखा आपने पुराना एडा बड़ा होता था, बड़ा होता है। अभी ये क्या है, सादी गाड़ी रोटरी जो अपन बोलते हैं, इसके अंदर देखो कुछ कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है, इतना सा पंप है। अब ये इतना बड़ा है तो इसमें वही काम करता है, 6 नोजल इसमें से जा रही है, 6 पिस्टन को सब जगह से डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा अभी जो BS6 गाड़ी आ रही है उसके अंदर इससे भी छोटा पंप आ गया, वो सिर्फ ऐसे लगता है, उसके अंदर यहाँ पे एक CRS राड लगी है, CRS बोलते हैं उसको, कॉमन रेल सिस्टम, यहाँ से सिर्फ एक ही पाइप वहाँ तक CRS तक आता है, वो क्या करता है CRS को डीजल देता है, CRS वहाँ से आगे 6 नोजल को आगे डीजल सप्लाई करता है, उसको कॉमन रेल सिस्टम बोलते हैं। ऊपर आप देखना एक पाइप लगी रहेगी, एक पाइप यहाँ से जाएगा, एक उसमें इन का होगा एक आउट का होगा, और उसके 6 नोजलों को वो कनेक्शन देता है, ठीक है, उससे इंजन को स्टार्ट होता है। उसके बाद आगे ये इसका ऑयल कूलर है, ऑयल फिल्टर, ये इसका फैन है, फैन का क्या काम है, रेडिएटर के पानी को ठंडा करना और इंजन को भी ठंडी हवा साथ में, ठीक है, वो सब करेगा तो ठंडी हवा इंजन तक। अभी इसमें क्या है, इसमें अभी जो गाड़ियां नई आ रही हैं BS6 में, इनमें ऑटो सिस्टम लग गया हुआ है, जैसे गाड़ी इंजन होगा तब ये पंखा स्टार्ट हो जाएगा, जब इंजन कूल हो जाएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा, नहीं तो पहली गाड़ियां थी इनमें कंटिन्यू चलता था, जितने चक्कर इंजन घूमता था कंटिन्यू घूमता रहता था। अब BS6 गाड़ियों में ये आ गया है कि जब गाड़ी इंजन गर्म होगा तब उसको सेंसर से ये चलेगा, नहीं होगा तो बंद हो जाएगा, बहुत सिस्टम है। ये प्रेशर प्लेट और वगैरह ये देख लो, ये देख लो, वहाँ खुली हुई है, वहाँ मैं बता दूंगा आपको, ये रिली बेरिंग है, देखो इधर आ जाओ, रिली बेरिंग है, ये गियर को शिफ्टिंग के काम आती है, इसके सामने होती है क्लच प्लेट जो इंगेज कर तो प्रेशर प्लेट से ही उसको घिसने के लिए बीच में मतलब कुछ ना हो, इसलिए वो प्रेशर प्लेट के सामने क्लच प्लेट लगाई। ये है 4 सिलेंडर, वो 6 थे, ये 4 सिलेंडर। इनको इनकी पकड़ करना भी बताओ कि इनको पकड़ कैसे करते हैं? 4 नोजल में जितने पाइप गए हैं 4, हमें उससे पता चलेगा कितने सिलेंडर होता है इंजन। कई इंजन बंद आते हैं बिल्कुल नजर नहीं आता, तो आपने क्या करना है, पंप से देखना उसके अंदर कितने पाइप जा रहे हैं, पाइप काउंट करोगे आपको पता जाएगा कि 6 है, 8 सिलेंडर नहीं आएगा जो नॉर्मल जो गाड़ियां हैं। अच्छा ये चीज क्या, ये क्या लगेंगी, ये सिलेंडर जो गाड़ियां हैं ये बता सकते हो आप, ये चीज क्या है, ये फैन पुली है उसको, ये इसके ऊपर फैन वाटर पंप है, इसके आगे फैन जैसे वाटर पंप है, वाटर बॉडी बोल सकते हैं इसको, इसमें मतलब इंजन के अंदर जो कूलेंट चलता है ना वो इधर से सप्लाई होकर सारी जगह सप्लाई देता है, ये इसका उसका अलग से है, इसका तो दिया वो वहां से वाटर वाला पानी वाला, वाटर वाला है किस चीज, पानी और पिस्टन के अगल बगल पानी सर्कुलेट करना है ना, एक होता है ना वाटर सर्कुलेट ताकि वो पिस्टन का अगल बगल एरिया ठंडा रहे, पानी घूम के उधर से उधर नहीं। अच्छा ये जो ये इंजन पड़ा है, ये इंजन कौन सा इंजन है, कौन सी गाड़ी का है, ये है पेट्रोल इंजन, वो है डीजल इंजन, आपको कैसे पता चलेगा डीजल इंजन, आप बताओ ये कौन सा इंजन है, कैसे पता पड़ा ये पेट्रोल इंजन है, ये डीजल इंजन है, आपको क्या फर्क लगता है इसमें, ये इंजन है जिप्सी, स्पार्क प्लग लगा है, स्पार्क प्लग नहीं लग रहा है उसमें, स्पार्क प्लग नहीं रहता उसके अंदर, डायरेक्ट इसके अंदर देखो ये एसी पंप होते हैं, इसको कार्बोरेटर बोलते हैं, कार्बोरेटर इसके अंदर पंप होता है, डीजल पंप होता है इसके अंदर कार्बोरेटर होता है, ठीक है, ये फर्क होता है इसके अंदर, ये पेट्रोल से चलता है और डीजल से चलता है। और अभी जो नई गाड़ियां आ रही है ना उसको ये चीज हटा दी उन्होंने, पेट्रोल इंजन, हाँ मतलब पेट्रोल टैंक में मोटर होती है,
मोटर होती है वो मोटर डायरेक्ट इंजेक्टर पे मतलब पेट्रोल सप्लाई करती है, फिर इंजेक्टर फायरिंग करते हैं पिस्टन पे। सर अभी तो इलेक्ट्रिक वाली भी आ गई है ना। हाँ इलेक्ट्रिकल उसका भी है यहाँ, तो उसमें तो इसका मतलब ही नहीं। आगे ये आपको ये कौन सी गाड़ी का है? ये जिप्सी जैन जिप्सी एयर फिल्टर है। अच्छा ये इंजन पड़ा है इसमें, आप पेट्रोल इंजन में ये बताओ कि ये कितना सिलेंडर है, इससे आपको कैसे पता चलेगा? हाँ इसमें कैसे देखो नई चीज है, कैसे पता किया? चार प्लग लगे हुए हैं इस बार के। सही है सही है। चार ही इसके देखो एग्जास्ट इसके अंदर आ गए। ये है आपका प्रेशर प्लेट, फिंगर प्लेट भी बोल सकते हैं इसको, प्रेशर प्लेट भी बोल सकते हैं। ये फिंगर है, ये फिंगर है, जैसे अपन कलच दबाएंगे ये फिंगर आगे की तरह ऐसे मूवमेंट करेंगे, ये हम जैसे कलच दबाएंगे तो ये दब जाती है देखो, है ये इनको फिंगर बोलते हैं पूरे को। क्लच प्लेट नहीं, क्लच प्लेट अलग चीज होती है। क्लच प्लेट में हमेशा स्प्रिंग लगी हुई रहती है। हाँ ये देखो ये देखो ये भी प्रेशर प्लेट है, ये चीज है, ये क्लच प्लेट है और ये फाइबर प्रेशर प्लेट है, ये घिसता है। हाँ ये घिस जाता है इसमें, ये क्लच जब ये जस्ट फ्लाईव्हील के अड़के चलती है, ये घिसने के बाद लोड नहीं लेती। हाँ क्लच फ्री होने लग जाता है, क्लच ढीला हो जाता है। सेम जो ब्रेकिंग सिस्टम में काम करता है ना वो भी यहीं पे काम करता है ना? नहीं वो चीज अलग है, वो अलग है। ये तो ये इंजन का लोड लेने के लिए ये सब होता है। ये है छोटी गाड़ियों का गियरबॉक्स, गियरबॉक्स ये हो गया अपना कोई मतलब नहीं है। गियर बॉक्स तो जो होता है वही होता है गियर बॉक्स, ये गियर बॉक्स है जो अपना नॉर्मल गाड़ियों का गियर बॉक्स। ये ट्रक को रखते हैं? हाँ ना ये भी ट्रक का नहीं है, छोटी गाड़ी का है। 407 हुई और मिनी बस हुई उसका गियर बोल सकते हैं इसको। हाँ ये भी छोटी गाड़ी का गियर बॉक्स है, ये रियर कैसे पता करोगे सर? कैसे पता पड़ेगा इनसे पूछो। इसके अंदर एक्सल बना होगा ना बीच में, वो रियर एक्सल होगा, पावर एक्सल बोलते हैं। आगे का जो एक्सल होता है डेड एक्सल होता है, ये डेड उसको डेड एक्सल बोलते हैं। इसमें क्या है कि ये क्राउन पिनियन अटैच हुआ है तो दोनों व्हील में ये बड़ी गाड़ी का डिफरेंशियल ये क्या चीज है, गियर है क्या है सर? ये गियर बॉक्स है। नहीं